शारदीय नवरात्रि की आज नवमी तिथि है। देवी स्वरूपा नौ कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में पर्व और त्योहारों के महत्व को रेखांकित करने वाला यह आयोजन मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्वाभाविक रूप से सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में इसे सर्वोच्च महत्व दी गई है। इसीलिए वर्ष में दो बार बासंती नवरात्र और शारदीय नवरात्रि के रूप में सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करने के लिए इन आयोजनों के साथ जुड़ता है। मैं पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि की इस पावन नवमी तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आज देवी स्वरूपा कन्या पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम को यहां पर संपन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मातृशक्ति के प्रति सम्मान का व्यक्त करने का सनातन हिंदू धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण आयोजन है और सनातन काल से ही सभी धर्मावलंबी अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ जुड़ करके वर्ष में इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं, इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। दुर्गा पूजा के पंडाल भी जगह जगह लगते हैं, लोग पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान के साथ जुड़ते हैं और अभी विगत नौ दिनों से पूजन का जो कार्यक्रम दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ ही प्रारंभ हुए थे, आज कुमारी कन्याओं के पूजन के साथ जगत जननी माँ भगवती दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम इसके साथ ही अभी संपन्न हुआ है। स्वाभाविक रूप से हम सब के सामने इसको केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन तक सीमित न रख करके एक भौतिक जगत में भी हम मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज के दिन पर प्रासंगिक भी है। और इसीलिए इस परंपरा को भारतीय मनीषा ने वर्ष में दो बार बासंती नवरात्रि के रूप में और शारदीय नवरात्रि के रूप में महत्व दी है। अपराह्न में विजयादशमी का पुण्य पर्व भी प्रारंभ होगा, मुहूर्त प्रारंभ होगा, उसके साथ ही विजयादशमी के कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से बासंती नवरात्रि की नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मदिन के रूप में सभी धर्मावलंबी
मनाता है तो शारदीय नवरात्रि की 9 दिन की जगत जननी माँ भगवती के अनुष्ठान के उपरांत दशमी की तिथि विजयादशमी के रूप में धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और इसलिए धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक विजयादशमी का आयोजन भी आज अपराह्न से प्रारंभ हो जाएगा और कल तक इसका मुहूर्त होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के साथ ही विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि पर्व और त्यौहार विगत 2.5 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के बाद उन्हें सामूहिक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि जगत जननी माँ भगवती की बड़ी कृपा थी कि दोनों बार पर्व और त्यौहार में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं थी, आयोजन थोड़ा बहुत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुए थे। इस बार इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से काफ़ी हद तक उसे नियंत्रित किया जा चुका है और पूजा पंडालों में, मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ है। मेरी सबसे अपील होगी कि स्वच्छता को, सुरक्षा को और सद्भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के अगर हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है और हम लोग इस आयोजन को उसी परिप्रेक्ष्य में रखें जहाँ पर पूजा पंडाल हो या देव मंदिर हो, उसके आसपास के क्षेत्र में प्रशासन स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता दे ही रहा है। प्रशासन के साथ ही हम लोग वहाँ पर स्वयं भी आयोजक या मंदिर प्रबंधन भी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षा के मानकों को पूरा रखें, कोई भी लापरवाही न हो, अग्नि सुरक्षा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्षा के उन सभी मानकों को जो अपेक्षा प्रशासन की है, और कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ आते हैं, उत्साह उमंग के साथ आते हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैल करके किसी का उत्साह और उमंग कुंद न हो, यह भी आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि वह जहाँ जहाँ भी आयोजक गण हैं वह सभी प्रशासन का इस संबंध में सहयोग करेंगे कि उत्साह और उमंग का पर्व, धर्म, सत्य और न्याय की विजय का यह पर्व अनेक लोगों के जीवन में, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली का, उत्साह का और उमंग का कारण बनेगा और लोगों की आस्था प्रबल होगी तो वे एक सकारात्मक सोच के साथ विकास और निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से आज शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर और विजयादशमी की पावन पर्व की भी बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूँ।